भी बंदा सही गैस करेगा ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं कि लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए ताकि अपने राइट्स पता हो। हमारे लिए खुल गई, मैं इस पे अंकल कमेंट्री अपनी डाल दूंगा पीछे। भैया बाहर अभी इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 50 बंदर होंगे। 10K की जितनी खुशी मेरे को नहीं हो रही इस बंदी को हो रही है। भाई बड़ी मुश्किल से हुए हैं। मुश्किल से क्या होता है, कौन सा पत्थर लाई है ये। जय श्री राम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस मैं रेडी होके निकल गया हूँ कोर्ट के लिए एंड टाइम हो रहा है 10:10, यानी कोर्ट तो बैठ चुकी है, ठीक है ना। तो मैं हो गया हूँ लेट, पापा ऑलरेडी जा चुके हैं एंड कल जो गाड़ी का सीन हुआ था ना उसके बाद पापा गाड़ी ले गए कि भाई यहाँ खड़ी नहीं करनी, वहाँ खड़ी कर देंगे, वहाँ से कोई उठाएगा तो नहीं कम से कम, वो वाला सीन है। बाकी अभी चलते हैं कोर्ट, कोई बात नहीं, कोर्ट में जो मैटर होंगे वो देख लेंगे अगर कोई डिले होगा, और वरना फिर अपना अटेंड कर लेंगे। वैसे क्लाइंट वगैरह तो आते ही हैं तो बातचीत कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अभी चलते हैं कोर्ट फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं आज हम क्या क्या करेंगे। भाई अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आप बता सकते हो कि अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। एंड जो भी बंदा सही गैस करेगा ना उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ हार्ट मिलेगा। गैस कर लो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, वो देख लो, वो एक मेट्रो स्टेशन है एंड वहाँ पे कुछ है तो बता दो मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो ब्लॉग देखता है उसको पता होगा मैं कहाँ पर हूँ, ये जाम नहीं जाएगा। भाई कल जो अपने साथ सीन हुआ है ना, मतलब जो अपनी गाड़ी उठी है, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, मतलब अगर आपके साथ होता है तो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं उठा सकते, अगर गाड़ी उठा भी लिया तो आप एक अंडरटेकिंग देके गाड़ी को वापस ले सकते हो एंड अपने पार्किंग के अंदर खड़ी कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखना इस चीज को यार, थोड़ी छोटी छोटी नॉलेज है बट होनी चाहिए सबको, इसीलिए कहते हैं कि लॉ की नॉलेज सबको होनी चाहिए ताकि अपने राइट्स पता हो कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। बाकी अभी बस कोर्ट पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, फिर देखते हैं कि आज कौन आता है कौन नहीं आता, ठीक है। दिखाते हैं आपको सब कुछ क्या क्या करेंगे आज। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली चैम्बर पहुंच चुका था मैं, मतलब काफी देर मेरे को हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन भी टाइप कर दी, जो थोड़ा बहुत काम था वो भी निपटा दिया। अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या किया है, मैंने मंगवाई है अपने लिए चाय एंड साथ में मंगवाई है मट्ठी, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। भैया ने नहीं मंगवाई, भैया अपना काम कर रहे हैं एंड पापा पता नहीं अभी कहाँ गए हैं। मैंने बाहर जाके देखा, मनिंदर भी गया हुआ है, मनीष भी गया हुआ है, कोई फोन भी नहीं उठा रहा, तो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ पर है। फिलहाल अभी ये करते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे क्योंकि कल बहुत सारे मैटर हैं। कल हाईकोर्ट के भी मैटर हैं, 30 जारी के भी हैं, द्वारका के भी हैं, रोहिणी के भी हैं, तो यानी सारी कोर्टों के मैटर कल लगे हुए हैं। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अभी सारा डिस्कस करेंगे कि कल क्या क्या किसने से क्या क्या करना है, ठीक है ना। फिलहाल तो अपनी चाय का मजा लेते हैं। एंड मैं सुबह कुछ खा के नहीं आया, मम्मी ने बोला था कि रोटी खा जा, बट मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि अगर मैं सुबह रोटी खाता हूँ ना तो 2 बजे रोटी नहीं खाई जाती, और सुबह नहीं खाता तो फिर 2 बजे अच्छे से खा लेता हूँ मैं लंच टाइम में, तो ऐसा सीन है। उफ, चलो चाय पीते हैं। अब हमारी गेम लीडो शुरू हुई है, विजय दीवान वर्सेस संजय शर्मा, और इसमें अब देखते हैं कि जिसकी पहले खुलती है। हमारे संजय शर्मा जी ने जोर लगाया, उनकी खुल गई, हमारी हम देखते हैं कि हमारा क्या लगता है। हमारी भी खुल गई, मैं इस पे अंकल कमेंट्री अपनी डाल दूंगा पीछे। कुछ और डाल देंगे बढ़िया सी, डालना तो हमारा कहीं नकली। तो भैया अंकल की लूडो चल रही है, फिलहाल हम चलते हैं घर पे। ओके मनिंदर डार्लिंग, मनीष गया है, मनीष गया, चलो भाई तो चलते हैं बाहर। ओ भाई 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 भाई, अबे कितने बंदर हैं ये। भैया बाहर अभी इस टाइम पे कम से कम नहीं तो 50 बंदर होंगे एंड शुक्र है कि मैं एकदम से रुक गया। अभी इनके जाने का वेट करते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे। तो भाई बोरी अपनी आई-10 जो टूट गई थी कल, पापा ने अब ठीक करवा लिया, आगे से नंबर प्लेट भी लग गई है, और जो बम्पर वम्पर टूटा था छोटा मोटा वो भी ठीक हो गया है। मतलब है यार थोड़ी कंडीशन तो खराब है ही, तो हो सकता है दोबारा भी उठा के ले जाएं, बट अब यहाँ से कोई नहीं उठाएगा इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। बाकी फिलहाल अपन निकलते हैं अब घर, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थकावट सी हो रही है, पता नहीं क्यों यार, मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे को समझ नहीं आता। ये जब से कोर्ट आना स्टार्ट किया है ना मैंने, एक चीज अच्छी हुई है कि चलो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, बट भाई मतलब मैंने पहले सोचा था कि मैं ठीक है मजे करूंगा, जब जाना है तब चला जाऊंगा, जब नहीं जाना तब नहीं जाऊंगा, बट अब तो डेली आ रहा हूँ तो अब मजे तो सच में नहीं बोलूंगा कि मैं मजे कर रहा हूँ, बट हाँ ये है थक जाता हूँ भाई। मतलब एक्चुअल जिसको बोलते हैं ना कि बंदे को पता लगता है पॉइंट के बाद कि भाई काम होता क्या है लाइफ के अंदर, तो वो वाली चीज हो रही है कि अब पता लग रहा है भाई काम है क्या एक्चुअल में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं यहाँ से। भाई ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, इसका आपको कलर भी अच्छा लग रहा होगा, इसकी आपको शेप भी अच्छी लग रही होगी, बट एक बहुत मेजर वो है इसका ड्रॉबैक, वो बताऊं क्या है, वो ये है कि आगे से गाड़ी बड़ी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, बट पीछे से
भाई साहब अगर इस गाड़ी के अंदर मैं बता रहा हूँ मतलब पीछे दो बंदे भी अगर कंफर्टेबली बैठ गए ना तो मैं अपने मुंह पे थूकवा लूंगा। इतनी मतलब इतनी ज्यादा पीछे से टाइट है। मतलब इन्होंने क्यों बनाई फोर सीटर, नाम के लिए फोर सीटर बना दी, साला टू सीटर गाड़ी है बताओ। पीछे जगह ही नहीं है, मतलब सिर्फ लिटरली बच्चे बैठ सकते हैं छोटे। एंड कोई सस्ती गाड़ी नहीं है भाई, बीएमडब्ल्यू बेचती है, टू सीरीज अपनी मेरे ख्याल से शायद 40-50 लाख की गाड़ी है। तो ये मैं देखने गया था क्योंकि एक बार इसलिए मेरे को याद है। तो गाड़ी वैसे शानदार है, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, बट ये समस्या है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, जिसकी है उसको मुबारक। इतनी गाय चमक रही हो, इतनी गाय साइन मार रही हो। पापा नहीं आए अभी? नहीं आए, पापा तो कह रहे थे जाने घूमने। कहाँ पे? कहाँ के पास बोल। आप जाओ, मैं नहीं जा रहा, मेरे को जाना है अनुज के घर पे। कल उसकी हल्दी है ना, अनुज दोस्त मेरा। हल्दी कल है तो आज भी जाना है, आज भी जाना है। तो भाई मैं आया था साहिबा से मिलने, एंड देखो सैबू मेरे लिए क्या लेके आई है। लाइट जलाई एक बार ऊपर से, एक और, वेरी गुड। तो अरे पागल है क्या तू? तो भाई साहिबा मेरे लिए लाई है 10K का छोटा सा केक, क्योंकि अपने इंस्टाग्राम पे 10K हो गए हैं फाइनली। तो ये क्यूट नहीं है ना? नहीं नहीं बहुत क्यूट है भाई, थैंक यू सो मच यार, मतलब इतनी खुशी। बड़े मुश्किल से हुए हैं 10K की, जितनी खुशी मेरे को नहीं हो रही इस बंदी को हो रही है। पता नहीं क्यों मुश्किल से हुए हैं। मुश्किल से क्या होता है? मुश्किल से पहले हुए थे फिर वापस हो गए, और सोच इसके बाद 100 फॉलोवर्स कम हो जाए मेरे। हमने तो सेलिब्रेट कर लिया भाई, ये बेवकूफ है पागल। अब तो फू कर रही हूँ, ठीक है? क्या करूँ? फू करूँ मैं? तू ही काट लेना इसको। मेरे तो 35 है ब्रो। क्या 35K? भाई चौड़ दिखा रहे हो, 35K की है, कम नहीं है वो। व्यूज तुम्हारे भी उतने आ रहे हैं। पुरु ज्यादा बकवास मत कर, समझा? ज्यादा आ रहे तेरे? नहीं तू बढ़ आ गए यार। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, तेरे व्यूज उतने ही आ रहे हैं। एक आधी तो चल गई, पर मिलियन मिलियन होने वाली है। आए गोली भाई, तू पागल है क्या? कैंडल क्यों लगा रही है? मेंटल है क्या यार? अरे इसमें कैंडल थोड़ी लगती है यार, बेवकूफ में बर्थडे थोड़ी है मेरा यार। क्या मैं नहीं बेवकूफ बात मत भाई, मेरा बर्थडे नहीं है, तू पागल कैंडल कुंडल मत लगाया प्लीज यार। नहीं तू जलाएगा, फू कर रहे मेरा किस। अभी एक मिनट रुक जा। अरे एक ही बुझानी होती है, एक जला दे। हैं एक बाबा जी के लिए होती है, एक बाबा जी के लिए होती है, बाबा जी कृपा करना। हैं जल्दी कर, मेरे को दे दे तू, तू अपने पास रख लिया सब ताम झाम। क्या ये ले, यू मेक द व्लॉग एंड आई कट द केक। ओके इधर ही कट कर लेता हूं, मुझे स्टोरी पे बनानी है। दो मिनट रुक जा पुरु, छोड़ ना पुरु, प्लीज रुक जा, गिरे ना। एक सेकंड कुछ करियो मत। ओ तेरी बहन, मम्मी ये पुरु पागल है क्या? अबे इस पे रख, इस पे रख, इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आ रही है, दो मिनट रुक जा पुरु, मेरे को बनाने दे, तेरे बाल नहीं आ रहे। अरे अरे पागल है क्या? मैं वो तो हो जाएगा थोड़ा टाइम, थोड़ा पुरु वो वाला काट ना, छोटा वाला क्यूट वाला, मेरे कमर में बल पड़ गया जल्दी यार। मैं तो लंगा का डालूंगा खाली पीछे। तैनू जो लगदा मैं ओ नहीं।